सच्चे प्यार को कैसे पहचाने, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का मेरे पास में आया, उसकी एक फ्रेंड थी और उसको काफ़ी डिप्रेशन सा अभी इतने कुछ दिनों में आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा शक है कि वो मेरे से प्यार नहीं करती। जब उसने काफ़ी सारी बातें मेरे से शेयर किया, मैंने भी उसको काफ़ी सारी चर्चा करके उससे पूछा भी और चर्चा भी करके उसको बताया, तो कुछ जो बातें सामने आई ये चर्चा में, जिससे फिर ऐसा शक आता है कि नहीं, मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे साथ में वफादार है या नहीं है, तो उसके ऊपर ये प्रकाश डाल देंगे पॉइंट्स। तो आपकी जानकारी के लिए मैं शेयर करता हूँ जो हमारे डिस्कशन में बाहर आई बात। एक तो है कि क्या होता है कि अच्छी दोस्त है और अभी कुछ दिनों से आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर रही है, इधर उधर देखती है, कुछ डरी हुई सी लगती है और ऐसा लगता है कि कुछ तो भी छुपा रही है। झूठ बोलना, किससे मिली है किससे नहीं मिली उसके बारे में झूठ बोलना और बाद में वो एक्सपोज हो जाना। फिर कभी कभी डिमांड करना, कुछ चीज़ों की डिमांड करना, पैसे की डिमांड करना या कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बोलना, पैसे ज़्यादा खर्चा करने के लिए बोलना कि भाई वो लड़की आपको बोल रही है कि पैसे ज़्यादा खर्चा करो मेरे ऊपर, मतलब होटलिंग कर रहे, रेस्टोरेंट में जा रहे, कोई खाना पीना कर रहे और उसके ऊपर बहुत खर्चा कर रहे, या कोई खरीदी चीज़ें करके मांग रही हो। आप साथ होने के बावजूद भी उसको कॉल आना और उसका किसका कॉल आता है तो वो कॉल कट कर देना, वो किसी के साथ में घूमती हुई आपको नज़र आती है क्या, हमेशा ऑनलाइन रहती है क्या, उसके फेसबुक के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स या लाइक्स आते हैं क्या, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और यदि आप उसको कॉल करते तो कॉल बार बार बिजी आ रहा है, आपका कॉल ले नहीं रही है और आपको वो फ्रेंड से मिलवाना नहीं चाहती है। तो ऐसे से काफ़ी सारे लक्षण मुझे दिखे और वो जब लड़का शेयर कर रहा था तो मुझे दिखा कि ये जो हो रहा है ये कुछ बराबर नहीं हो रहा और उसका शक जो है वो वाजवी है। ये देख भाई, जो है वो है, अब तुमको तो इसको फेस करना पड़ेगा। तू एक तरफा यदि प्यार करते रहा तो ये तो अच्छा होने वाला है नहीं। एक्चुअली देख लो कि लड़की वफादार है कि नहीं है और किसे प्यार करती है क्या। ये तो लड़का मेरे पास में जो आया था वो तो सोच रहा था कि मैं इसके साथ में शादी भी कर लूँ और वो लड़की तो और किसी के साथ में चक्कर चलाती होंगी, तो ये तो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाएगा। मैंने उसको बोला कि देख, अभी ये समय है, अभी ये वक्त है कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सच्ची प्यार उसका है नहीं है। सच्ची प्यार होगा तो ये आगे बढ़, नहीं तो फिर आगे डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि लड़के एक बार वो उसमें फंस गए और उसमें वही वही फिर उनको विचार आना चालू होता है, वो लड़के का विचार आता है, कोई काम करे वही लड़के का विचार आएगा, मतलब उसके मन में तो वही लड़की है और वो लड़की चार लड़कों के साथ में घूम रही है, उसका कोई विचार नहीं है शादी करने का, या उसका कोई विचार, वो तो अपना टाइम पास कर रही है, मगर ये डिप्रेशन में लड़का जाता है। तो ये लड़कों ने देखना चाहिए जरूर कि भाई सच्ची प्यार है क्या, प्यार झूठा है क्या, और आप कहाँ तक उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, आप भी टाइम पास कर रहे हैं कि आप एक्चुअली शादी की बात करने वाले हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। यदि आप देखेंगे तो आगे आने वाले डिप्रेशन से आप बच पाओगे। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो यदि आप लोगों को शेयर करेंगे तो हमारे मिशन में आपका भी हाथ लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।